उनका स्वागत हम करना चाहेंगे। मनीष कश्यप हमारे बीच आ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत मनीष जी हमारे बीच आपका। बतौर बीजेपी नेता आज आपको हम संबोधित करना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। शुरू करें? हाँ तो शुरू कीजिए। सब कुछ ठीक है? धड़कन वही पर मिनट 72। बीपी नॉर्मल। चलिए ठीक है, शुरू करो। पहचान को लेकर एक बात होगी आपसे, ठीक है? क्या क्या है आपको? त्रिपुरारी कुमारी कुमार तिवारी बोले, मनीष कश्यप बोले, यूट्यूबर मनीष कश्यप बोले, बीजेपी नेता मनीष कश्यप बोले, क्या पहचान है आज की तारीख में अभी इस वक्त? आप बीजेपी नेता बोल सकते हैं, आप यूट्यूबर बात नहीं, आज जो बोलिए आज तो अगर बीजेपी नेता मनीष कश्यप बोले तो मुझे मतलब कि अच्छा लगेगा, लेकिन मैं यूट्यूबर नहीं, यूट्यूब जो है आप मतलब कि आप दो दो पत्रकार और इधर पीछे इतने सारे लोग, इतना मतलब प्रेशर दीजिएगा। यूट्यूबर मैं था हूँ और रहूंगा, लेकिन यूट्यूबर का टैग जो है मेरे ऊपर से हट नहीं सकता है, लेकिन साथ में जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया और एक अच्छे मनसा से ज्वाइन किया, माँ के कहने पे ज्वाइन किया, तो आप नेता मनीष कश्यप भी कह सकते हैं इसके लिए भी। यूट्यूबर वाला जॉन बेबाकी रहला, जॉन लोगों के बीच पहुंचकर लोग के बीच के समस्या के उठाए वाला अंदाज रहला, ऊ का बतौर राजनेता भी जारी रही? ऊ चीज हमेशा जारी रही, ऐसे ऊ चीज हमेशा जारी रही, कहे कि उहे हमर पहचान रहे, लेकिन तरीका बदल जाई। अब मान ली कि जब रउर कॉलेज लाइफ हुई तो ओबरा रउर तरीका अलग हुई, फिर शादी भइल तो ओबरा तरीका अलग हो गइल, फिर चैनल ज्वाइन कैले होके ओबरा तरीका अलग हो गइल हुई, लेकिन रउआ पहले भी ईमानदार रहनी और आज भी ईमानदार बनी, पहले भी ईमानदारी से काम करतनी, आज भी ईमानदारी से काम करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी का तरीका बदल गया, तो वही मेरा भी बदल गया है, लेकिन मैं काम अब पहले से ज्यादा अच्छे ढंग से दमदार तरीके से करूंगा। लागल की राजनीति से जुड़ के ये बदलाव संभव है? इतना गंदा राजनीति का दिमाग में जो ये राजनीतिक शब्द आता है या नेता शब्द आता है तो हमें गर्व क्यों नहीं महसूस होता है? आईएएस शब्द आता है तो गर्व महसूस होता है, रिपोर्टर शब्द आता है तो गर्व महसूस होता है, और भी कोई सरकारी नौकरी का शब्द आता है तो गर्व महसूस होता है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर। जब नेता शब्द आता है तो गर्व महसूस क्यों नहीं होता है? नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हमारे देश में, हमें गर्व महसूस करना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे नेता, तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए, ये चीज़ें हैं बस। तो अच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और ये गर्व की बात है मेरे लिए। बिल्कुल गर्व की बात, जिस छवि को आप बदलने की बात कर रहे हैं कि तस्वीर की तरफ जरा मुड़िए, मनीष कश्यप आप ही की तस्वीर चल रही है, देखिए दिखाइए दिखाइए जरा स्क्रीन दिखाइए, मनीष कश्यप साथ में आप माँ को लेकर चल रहे हैं और आपने कहा कि माँ नरेंद्र मोदी को एज ए नेता बहुत पसंद करती हैं और चाहती हैं कि ऐसे नेता हों जिनका एक माध्यम जो है काफी, वो कहते हैं ना कि वन लाइनर बस, उसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये तस्वीर आज जब हम तक पहुंची तो कई सवाल, इससे पहले जब आपका इंटरव्यू हो रहा था, हमने जब दिया था तब भी कई सवाल था, तब आपने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, देख कुछ बातें ऐसे आपने की कि आपने कुछ कोई इशारा जरूर कर दिया, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले भी आवाज़ उठाता था और पहले भी दमदार तरीके से बात करता था, अब जो है जब पार्टी कह रही है कि आप जाइए काम कीजिए और समस्या हो तो आप बताइए हम समाधान करेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? और मेरे जैसे युवा को क्या कभी कांग्रेस मौका दे सकती थी? नहीं, क्योंकि उसे राहुल गांधी से ज़्यादा टैलेंटेड लोग चाहिए ही नहीं। आरजेडी कभी मौका दे सकती थी? नहीं, क्योंकि 9वीं पास से ज़्यादा टैलेंटेड लोग उसे चाहिए ही नहीं। मेरे जैसे लोगों को मौका भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कौन से युवा पॉलिटिक्स में कितने टैलेंट है, और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, बहुत सारे जगहों पे जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है युवाओं को लगातार मौका देती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मेरे लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, मैं आज के दिन जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूँ, लेकिन आज ही के दिन मैं आप ही के चैनल पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आगे भी कुछ गलती होगा बिहार में तो उस चीज़ों को जो है मैं प्रमुखता से दिखाऊंगा। और आज आपके सामने सवालों की बौछार होने वाली है, बौछार इसलिए क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और अब हम देखना चाहते हैं कि मनीष कश्यप का वो आक्रामक अंदाज
जनता की समस्या को कितनी आक्रामकता से दूर कर पाता है। 6 महीने के अंदर मेरा टारगेट है, मैं आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर 250 परिवार को जो है ना, वो लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है लेकिन अभी तक जो है उनको पक्के का मकान नहीं मिला हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो जिनको नहीं मिला है, जो वंचित हो गए हैं, तो वो 250 लोगों को जो है पक्के का मकान दिलाने के लिए जो है मैं प्रयास करूंगा। उसके अलावा मैं यहाँ से जब जाऊंगा और आचार संहिता जब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आने से 2 दिन पहले मैं एक माँ को कमिटमेंट किया था कि मैं हारूँ चुनाव या जीतूँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस माँ का बेटा नहीं है और एक पतोह है जो दोनों आँख से अंधी है और एक छोटा सा पोता है, तो मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए घर बनवाऊँगा। तो जैसे आचार संहिता खत्म होगा वैसे ही जो है मैं उनके लिए पक्के का मकान बनाऊँगा। एक इमोशनल सवाल, राजनीति से थोड़ी दूर है, बिरले ही होता है कि जब बेटा पार्टी की सदस्यता ले रहा हो तो माँ ठीक बगल में बैठी हो, ये मैंने इससे पहले शायद ही इस तरह की तस्वीर देखी। आपके लिए ये क्षण, ये अनुभूति कैसी रही? मैंने जीवन में किसी नए व्यक्ति को एक साथ, माँ और बेटा को जो है एक साथ, मतलब पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के दौरान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। शायद आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि आप लोगों को पॉलिटिकली आप लोग ज़्यादा न्यूज कवर करते हैं, मैंने नहीं देखा और मेरे लिए गर्व की बात है। और जरा सोचिए, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक माँ को जो है कुर्सी देता है, फिर उसके बेटे को कुर्सी देता है, एक वैसा लड़का जो एक गांव से बिलोंग करता है, मानवा डुमरी मेरा घर है, कभी गांव में जाके देखिएगा तो सांप की तरह जो है चारों तरफ से नदी ने जो मेरे गाँव को घेर के रखा है। जगदीशपुर घर तरुआ तो हमारा बगले के पानी, मतलब 10-12 किलोमीटर दूर आपका घर है और वही जगदीशपुर थाना में मैंने सरेंडर किया था, तो मेरे लिए एक और गर्व की बात है कि मेरे क्षेत्र की ही बैठी हुई है, आप बिहार के सब लोग हैं, तो चलिए ठीक है। तो वहाँ से उठा और भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में मुझे ज्वाइन कराती है। मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी बेतिया में भी जिला हेडक्वार्टर में ज्वाइन करा सकती थी, पटना में भी ज्वाइन करा सकती थी, लेकिन दिल्ली में ज्वाइन कराती है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और एक सवाल यहाँ कमिटमेंट की जब बात आपने की कि माँ को कैसे कमिटमेंट आपने किया, अब बिहार की जनता को कमिटमेंट करेंगे, हमें ज़रा एक चीज़ बताइए, 2014 के बाद जब सरकार आई, नई सरकार आई, तो सबने एक कमिटमेंट भी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांव को गोद लेने की बात कही और सभी लोगों ने लिया, आपने कभी ऐसी कोई रिपोर्ट चलाई जिसमें वो सच्चाई भी दिखे, कितने गाँव को गोद लिया गया? देखिए, हालांकि कुछ जगहों पे जो है गोद लिया गया, वहाँ पे उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये बात सत्य है, अटल सत्य है। देखिए, हम लोग अगर सही बोलेंगे ना तो मोदी जी तक सही फीडबैक जाएगा और जब सही फीडबैक जाएगा तो वो काम होगा। इसको पक्ष और विपक्ष के आईने से देखने की जरूरत नहीं है, इसको मजबूत भारत करने के लिए जो है मैं खुले दिमाग का हूँ, पता नहीं मतलब कि संभाल कर बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे जो है उस हिसाब से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे जगहों पे अप्रत्याशित रूप से बदलाव हुआ। मोदी जी की ये योजना जो है बहुत बढ़िया योजना था और काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इस पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है और कुछ गांवों को जो है और सुधार की जरूरत है, और कुछ और नेता जो है इस बार आएंगे तो और गांवों को गोद लेंगे। आपके लिए क्या बड़े भाई की तरह है, और दुख के समय में मनोज तिवारी भैया जो है मेरे घर गए थे, जेल गए थे मिलने, कमाल की बात यह है जेल में उनको मिलने तक नहीं दिया गया, उसके बाद से फिर बिहार गए, मेरी मम्मी से बात की है, मुझे पता तक नहीं चलने दिए कि तुम्हारी मम्मी से बात कर रहे हैं, और पटना एयरपोर्ट पे 6:10 पे जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि मनोज तिवारी भी आ रहे हैं मुझे लेने और मुझे लेके दिल्ली जा रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट, देखिए बीजेपी से पहले से ही जुड़ाव रहा है, मैं 2010 से मैं फेसबुक चलाता हूँ, मेरा फेसबुक उठा के आप देख सकते हैं, जब 2012-13 के वो दौर था जब नरेंद्र मोदी जी का नाम नेशनल लेवल पे आने लगा और गोवा अधिवेशन में जो है इनको प्रधानमंत्री के रूप में जो है घोषित कर दिया गया, उस समय से जो है हम लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, वो पुराना पोस्ट आज से 7-8-10 साल पहले का पोस्ट भी आप देख सकते हैं, वो चीज़ है। लेकिन 2024 में मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, ये बात सत्य है, अटल सत्य है, और टिकट नहीं मिला, कुछ कारण से जो है मेरी बातें जो है ऊपर तक नहीं पहुंची होगी,
टिकट नहीं मिला, फिर पार्टी को लगा कि नहीं इसको जो है मौका देना चाहिए, अच्छे ढंग से मौका देना चाहिए, अच्छे जगह पे, लड़का अच्छा है, काम खातिर प्रचार करें, एकदम सबके लिए प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी जो संजय जायसवाल, एकदम बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुझे उम्मीद नहीं था, यही भारतीय जनता पार्टी का एक खूबसूरती है। आप देखिए कन्हैया कुमार और संदीप दीक्षित आपस में ही लड़ रहे हैं दिल्ली में, मीडिया में सारा इंटरव्यू वीडियो ऑडियो सब कुछ है आपस में ही, मतलब कि अगर बीच में कार्यकर्ता नहीं रोके तो फाइटम फाइटी सब चालू हो जाए। लेकिन संजय जायसवाल जी मेरे लिए, मेरे से बात किए बिना जो है मेरे लिए बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, विजय सिन्हा जी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बहुत सारे नेता जो है मेरे बारे में लिखे, तो जब संजय जायसवाल जी मेरे लिए दिल बड़ा किए, वो बड़े भाई दो नाम विभा ने लिए, संजय जायसवाल मनोज तिवारी, गुंजन सिंह के का हुई, देखिए गुंजन सिंह जी का जो भी होगा अच्छा होगा और वो हम लोगों के साथ आएंगे, और हम लोग बेसहारा कर दिया, नहीं बेसहारा तो उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको देखा देखिए आपके प्रचार के बलबूते आपके नाम को लेकर के जितने लोग वो मेरे से खड़ा हो रहे, सुनिए मेरे से पहले से उनका प्लानिंग था चुनाव लड़ना, आप जाके देखिएगा, मैं जेल में था उसके पहले से उनका प्लानिंग था, मैं जेल के अंदर था उसके पहले से उनका प्लानिंग था, मैंने अपना अधर्म निभाया। अब रिजल्ट तो अब ईवीएम में बंद है, रिजल्ट जो आएगा वो आप सभी दिखाएंगे अपने चैनल पे जो है एकदम सबसे पहले जो है न्यूज 18 इंडिया पे। कन्हैया कुमार चुनौती नहीं हो सकते हैं मनोज तिवारी के लिए, मनोज तिवारी पिछली बार 3,90,000 वोट से जीते थे और उसके पहले जो है उन्होंने शीला दीक्षित को हराया है वहाँ पे, मनोज तिवारी 14,500 करोड़ का काम अपने संसदीय क्षेत्र में किए हैं, 14,500 करोड़ का, और पूरे दिल्ली में जो 7 सांसद थे उसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक से मिलने वाले मनोज तिवारी, ये बात सत्य है इस सबसे ज़्यादा, और बीजेपी के जो 8 विधायक हैं जो दिल्ली में जीते हुए हैं उसमें 6 विधायक, 3 विधायक इनके संसदीय क्षेत्र के हैं और 3 विधायक जो वो रोड बनाए हैं, 6 लेन रोड है, ऊपर जो है हाईवे गुजर रहा है और मेट्रो गुजर रहा है उसके बगल के 3 विधायक हैं, मतलब कि 6 विधायक जो है इनके इन्फ्लुएंस में होके जीते हैं। तो मनोज तिवारी जो है वो इस बार 4.5 से 5 लाख वोटों से जीतेंगे जरूर, क्योंकि संदीप दीक्षित खुद ही जो है नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार जीते, कांग्रेस खुद ही नहीं चाहता है कि कन्हैया कुमार जीते, और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं कन्हैया कुमार जीते, और कमाल की बात है तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कन्हैया कुमार जीते, तो कैसे जीतेंगे कन्हैया कुमार। तेजस्वी पे आ गए तो तेजस्वी से सवाल पूछना बनता है, नहीं हम तो यूट्यूबर सबसे सवाल भी नहीं कर रहे, नहीं सवाल कर रहे हैं बीजेपी नेता से, हम सवाल कर रहे हैं बिल्कुल। और आपने नाम ले लिया, 2 कमिटमेंट की बात कर ली आपने, सारी चीजों को इस तरीके से आप तो बिल्कुल पके मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर, पॉलिटिकल खिलाड़ी के तौर पर आज बात कर, मुझे लग ही नहीं रहा है कि इससे पहले करीबन 1-2 महीने पहले जब आपसे हमारी मुलाकात हुई तो आप वही मनीष कश्यप हैं जो आज हैं, आज त्रिपुरा कुमार तिवारी हमारे साथ बैठे हैं, ये कहना सही रहेगा ना? हाँ मेरे दादाजी ने नाम रखा और त्रिपुरारी तो भगवान शिव का नाम है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको लेकर आगे चलना है, अब यही नाम, दोनों नाम चलेगा आगे, मनीष मतलब मन का ईश्वर, अपने मन का सुनता है और सुनते हैं। हाँ। रोजगार या राष्ट्रवाद? रोजगार और राष्ट्रवाद दोनों, राष्ट्रवाद है तो रोजगार आएगा ही आएगा, एकदम 100% आएगा, और रोजगार जो है राष्ट्रवादी लोग ही देते हैं तो रोजगार और राष्ट्रवाद दोनों चलेगा। भूखे पेट भजन कब तक होगा? अब भूखे पेट क्यों, मतलब कि कौन भूखा है आप बताइए, नहीं तो आप सिलेंडर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कैसे महंगाई पर कुछ नहीं कहा बोल रहे हैं। मतलब कि आप जो बोलना शुरू, नहीं 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 आप कंपेयर कीजिए, देखिए इलॉजिकली बातें नहीं होना चाहिए, लॉजिकली बातें होना चाहिए, विपक्ष जो है इलॉजिकली बातें करता है। आप कंपेयर कीजिए 2004 से 2014 के वो 10 साल का पीरियड और फिर 2014 से 2024 का वो 10 साल का पीरियड, जब ये 10 साल का और 10 साल का पीरियड जब कंपेयर करेंगे आप, जैसे कांग्रेसी लोग क्या करते हैं कि 2014 का गैस का प्राइस दिखाते हैं और 2024 का, आप वैसे मत दिखाइए, आप 2004 के गैस का प्राइस दिखाइए फिर 2014, ये 10 साल जो है मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो जाएगा, और फिर 2014 से 2024 ये 10 साल जो है मोदी जी के कार्यकाल हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट जो है प्राइस का जो है आपको पता चलेगा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ज्यादा हुआ था। पेट्रोल और डीजल जो है 2004 में जो है शायद से 38 या 40 रुपए के आसपास था और हाइक हुआ तो शायद से 75 या 78 रुपए के आसपास, 75 या 78 रुपए के या 82 रुपए के आसपास, मतलब मेरी जानकारी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल में 78 से मिला और 100 तक गया, तो आप जब कंपेयर करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में प्राइस हाइक जो है कम हुआ और उनके कार्यकाल में प्राइस हाइक ज्यादा हुआ। और सिलेंडर की बात आपने किया है,
पहले लोग साइकिल खरीदने में अपने आप को जो है समझते थे कि साइकिल नहीं खरीद पाऊंगा, कहां से खरीद पाऊंगा। आज जो है कोई साइकिल पे चढ़ना नहीं चाहता है, कोई भी साइकिल पे चढ़ना नहीं चाहता। मजबूरी में कुछ लोग चढ़ रहे हैं, ये बात सत्य है, मैं झूठला नहीं रहा। लेकिन उस समय साइकिल खरीदने में लोगों का हालत खराब हो जाता था, आज जो है मोटरसाइकिल वो भी बुलेट पे लोग चढ़ रहे हैं। तो ये बात सत्य है कि महंगाई बढ़ी है, इस बात को मानता हूं, लेकिन कांग्रेस के तुलना में वो महंगाई बहुत कम बढ़ी है और महंगाई आगे भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेगी, वो अमेरिका में भी बढ़ेगी। आप कंपेयर कर रहे हैं, आपने अपने अंदर से तीन छवि दिखा दी। महंगाई बढ़ी है, मनीष कश्यप बोल रहे हैं महंगाई पर कंट्रोल वाली बात मोदी जी की है, बीजेपी नेता मनीष कश्यप बोल रहे हैं आगे इसको थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। नहीं, अभी भी कंट्रोल है। देखिए, मैंने ये नहीं बोला है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी भी कंट्रोल है, अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस के सरकार से जब तुलना करेंगे तो बीजेपी के सरकार में महंगाई बहुत कम बढ़ती है। आप अपने डिस्प्ले पे, आपके आप लोगों के पास अब बड़ा बड़ा टीवी हो गया है, मैक्स अप का या बहुत सारी कंपनियों का टीवी हो गया, आप लगाइए डिस्प्ले पे और लॉजिकली दिखाइए 2004 से 2014 का तुलना कीजिए और फिर 2014 से 2024 का तुलना कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपैरिजन, ये कंपैरेटिविटी, ये सारी चीजें विपक्ष नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता। नहीं नहीं, विपक्ष जो है गुमराह करता है। अब जरा सोचिए कि ये न्यूज़ 18 का हेडक्वार्टर है पूरे देश का, यहाँ पे ऊपर जो है नीचे जो है बहुत बड़ा ऑफिस है, और कल को कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या आके कहे कि इसमें से आधा हमें दे दो, आप बताइए। वही कांग्रेस के जो है प्रधानमंत्री कहा करते थे कि पहले आधा हक जो है इनका है, उनका है, फलाना का है, ढिकाना का है, ऐसे है वैसे है। वहीं आज जाके देखिए जो है पाकिस्तान का हालत खराब हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के थ्रू जो भी फंडिंग होता था पाकिस्तान को जाता था उसको ब्लॉक कर दिया पूरा। आज जो है पाकिस्तान का अनेकों प्रांत के लोग जो है कह रहे हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा एजेंसी जो है, अमेरिका का एजेंसी, अभी कल का न्यूज़ है, एजेंसी का नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कल का न्यूज़ है, उसने बोला कि अमेरिका को जो है मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की सख्त हो सकता है। तो पूरा दुनिया मोदी का प्रशंसा कर रहा है और विपक्ष को जो है, विपक्ष राहुल कहने तक का इंतजार क्यों किया? माँ की बात नहीं मानती है क्या? का इंतजार तब क्यों किया? पहले भी देखिए तो ये फैसला आप पहले भी ले सकते थे, निर्दलीय आप चुनाव में उतर गए, उसके बाद अब आपने कहा कि माँ की बात को टाल नहीं सकता था, माँ की इच्छा थी, माँ को खुशी हासिल होगी, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। देखिए, मैं सच कहूँ तो मुझे भी मैंने इंटरव्यू में पहले ही कहा कि मुझे लगता था कि मुझे यहाँ से टिकट मिलेगा, मेरी बातें दूर तक नहीं पहुंची, नहीं टिकट मिला। चलिए ठीक है, टिकट किसी को मिल गया, बीजेपी ने जिसको अच्छा समझा उसको टिकट दिया। उसके बाद से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़के अब करेंगे क्या वो बताइए, तो मैंने बोला ये करूंगा, ये इनकी इनकी मदद करूंगा, यहाँ यहाँ ये करूंगा। तो उन्होंने बोला कि फिर ठीक है, आप हमारे साथ आइए और आप ये काम कीजिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। तो मैं साथ में आया और मैं अभी मुलाकात कई बार भेल, कई बार पहले भी भेल, बाद में भेल, जेल से इला के बादो भेल, तो ये बातचीत करे के मौका ना मिल पाएगा? देखिए, बातचीत करने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरनल बातचीत होती है जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम नहीं बोल सकते हैं, और आज मेरा पहला दिन है तो पहले दिन है सूली पर मत चढ़ाइए लोग। नहीं नहीं नहीं, एकदम थम के बढ़िया तरीके से जवाब आप दे रहे हैं। कहीं हमने पहले ही कहा कि आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आपको पता है बाहर क्या हो रहा है। आप लोग बना दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, आप अंदर हैं, ठीक है, जिसको जो बनना है बन ही जाएंगे। हमें जरा एक चीज़ बताइए कि 2020 में भी आपने चुनाव लड़ा था, क्या सोचा था कि यूट्यूबर से अचानक से क्या, मतलब आंकना चाह रहे थे, टटोलना चाह रहे थे, पब्लिक के को देखना चाह रहे थे वोट कैसे करती है, क्या दिमाग में चल रहा था? और उस समय क्या हारने के बाद ये सोच लिया कि झुकेगा नहीं मनीष कश्यप? कंट्रोल। चलिए ठीक है, मुझे राजनीति बहुत अच्छा लगता है और राजनीति में आना चाहिए। नायक फिल्म में प्रेस रावल एक जगह कहते हैं कि भारत का सारा युवा कहता है कि राजनीति गंदा है और गटर है और गंदा गटर है। तो उसमें जब अच्छे लोग आएंगे तब तो वो साफ होगा, तो हम जैसे अनेकों युवाओं को आना चाहिए, उसमें आना ही चाहिए, गंदगी को साफ करने के लिए बीजेपी के साथ। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे नेता उसको साफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत हद तक उसको साफ कर दिया, बहुत हद तक। कल की तारीख में आपको भी लोग कहेंगे ना मनीष कश्यप एक नया वॉशिंग मशीन है। नहीं, मेरे ऊपर कोई दाग थोड़ी था। नहीं, आप धो देंगे ना।
अरे मेरा तो कुछ नहीं था तो ऐसा है, मैं कोई वॉशिंग मशीन नहीं रखा हूँ और मेरे ऊपर कोई दाग नहीं था। मेरा तो सारा केस आप लोगों को पता है, तेजस्वी जी ने जेल डलवाया था और कोर्ट ने जो है मुझे बाइज्जत बरी किया। एनएसए जो लगा मेरे ऊपर, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा, उसमें मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने जो है मुझे बाइज्जत उसमें बरी कर दिया, क्वेश कर दिया, उस केस को खारिज कर दिया। तो मैं मतलब कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ दाग नहीं है, ये चीज है। ये बहुत उस समय चल रहा था, जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे, ये गाना चल रहा था। ये सवाल मैंने उस वक्त भी पूछा था, आज भी आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब में कितना अंतर है। बस मैं नहीं, जो, जो राम को कोई ला नहीं सकता है, राम तो हम सबको लाए हैं, राम मोदी जी को भी लाए हैं, राम मुझे भी लाए हैं, राम आपको भी लाए हैं, और राम को जो नहीं मानते हैं उनको भी राम लाए, योगी जी को भी राम लाए। योगी जी तो मन से कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाए। ठीक है, मैं शायद उन लोगों के तुलना में अज्ञानी हूँ, पहला दिन है, पहला दिन है, ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन राम सबको लाए हैं। हाँ, लेकिन राम लाए हैं विशेष कार्य के लिए, कुछ लोगों को लाए हैं, जैसे योगी जी को, मोदी जी को विशेष कार्य के लिए कि आप राम मंदिर बनवाओ, आप ये करो, आप देश को मजबूत करो, राष्ट्रवाद को मजबूत करो, तो सबको विशेष प्रयोजन से राम लाए हैं, आपको भी लाए होंगे, आपको भी लाए होंगे, हम सबको लाए हैं। तो यूट्यूबर नहीं, देखिए मैंने ऊपर हेडर भी उसी तरीके का रखा है कि यूट्यूबर नहीं बीजेपी नेता कहिए, तो आज के बाद से आपका जो परिचय है वो बदल जाएगा। और यहाँ विभाग क्या हम लोग अभी कंटिन्यू करें या फिर एक ब्रेक लें हम लोग? नहीं, पहले एक सवाल करेंगे। ठीक, मेरा ये सवाल था कि हालांकि आपको उनने बड़ी यूं कहें कि समझदारी से या आज परिपक्वता जिसकी बात आप कर रहे हैं, हाँ, बहुत सोच सोच के जवाब दे रहे हैं, तो आज आपके लिए रेस्क्यू थोड़ा है, लेकिन अगली बार ये रेस्क्यू नहीं होगा। मेरा सवाल नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री आप कैसे देखते हैं? सच कहूँ तो वो निहायती ईमानदार व्यक्ति है, ये बात सबको पता है, विपक्ष को भी पता है कि नीतीश कुमार जी पे आज तक करप्शन का एक भी दाग नहीं लगा। 20 साल कोई मुख्यमंत्री, 19 साल हो गया उनका, 19 साल कोई मुख्यमंत्री, हालांकि 2013 के बाद पार्टी बदला, दल बदला, सरकारें बदली बिहार में, ये बात सत्य है और ये आरोप जो है सभी ने लगाए, लेकिन नीतीश कुमार जी ईमानदार है, पहला चीज़ उनके अंदर ये क्वालिटी है। दूसरा चीज़ नीतीश कुमार जी के अंदर ये है कि वो इंडी गठबंधन में थे उस समय जब आपके भी चैनल के एक दो पत्रकारों का नाम जो है इंडी गठबंधन के लोगों ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया था और सारे चैनलों के 16 पत्रकारों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया, उस समय भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पत्रकारों पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो नीतीश कुमार जी के अंदर कुछ खासियत है, ये बात सत्य है। और उसी खासियत में बिहार में जो बाहर कहते हैं नीतीश कुमार हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत है और वो सुधार जो है हम सभी मिलकर करेंगे। ये सुधार ये है कि वो जो बयार है इधर उधर चलती रहती है? नहीं, अब इधर उधर नहीं चलेगी, अब नीतीश कुमार जी ने भरे मन से जो है मोदी जी को झुक के प्रणाम करते, एकदम 100%। मैं विपक्ष तो ये कहता है कि भाई इसका दावा तो नहीं, पहले ये जो कहना चाहते हैं, नहीं नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अब हमारे नीतीश चाचा जी जो है हम लोग गार्जियन मानते हैं उनको, और मैं जेल से निकलने के बाद भी जो है मैं हमेशा जो है अच्छा ही बोला हूँ उनके बारे में, कभी गलत नहीं बोला हूँ, तो वो अब कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे और अब समझिए तो फेविकॉल के जोर से भी ज़्यादा मजबूत जो है एनडीए का गठबंधन है और नीतीश कुमार जी जो है उस गठबंधन के मुख्य सारथी, मुख्य पार्टी में से, घटक दल में से एक है, मुख्य साथी में से एक है और वो इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में विकास के लिए कई लोग अपनी तरफ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़ी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पूर्णता तक तो पहुँचती नहीं है, इसलिए हम उन्हें पहुँचेगी, हम सभी मिल के पहुँचाएंगे। इसीलिए मेरा सवाल था, चाहे वो चिराग पासवान हो, युवा भी हैं और विजन भी बड़ा रखते हैं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, प्रशांत किशोर का जिक्र कर लीजिए, वो भी यही कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से बदलाव होना चाहिए, बिहार को जहां अब तक पहुंच जाना चाहिए वहां से कोसों दूर है, तो अच्छे लोगों की ज़रूरत राजनीति में। अब अच्छे लोग के तौर पर मनीष कश्यप अगर इसके साथ जुड़ रहे हैं, आप उन लोगों से अलग खुद को कैसे दिखाएंगे? देखिए, सबका अपना काम करने का यूनिक तरीका होता है, अलग तरीका होता है, वो लोग भी काम कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम करेंगे। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हम लोगों को बोलेगी उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हाँ ये बात सत्य है, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे कुछ गलत है तो मैं उस चीज़ को सुधारने के लिए अपने लेवल से भी प्रयास करूँगा,
करूंगा और ईमानदारी पूर्वक प्रयास करूंगा, और पहले भी आवाज़ उठाता था, अभी भी आवाज़ उठाता हूं और आगे भी आवाज़ उठाता रहूंगा। लेकिन हाँ, हमारे जो सीनियर है उनके साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, डिस्कस करके काम करेंगे, बातचीत करके काम करेंगे। और मैं प्रमुखता से बिहार में जो बाढ़ आता है उसके लिए मैं प्रमुखता से आवाज़ उठाऊंगा, और मैं वादा करता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर जो है बाढ़ पे तो 1 साल के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा, और 5 साल के अंदर अंदर हम लोग बाढ़ पे कुछ हद तक जो है नियंत्रण पा लेंगे, ये मैं वादा करता हूं। जब एक यूट्यूबर के तौर पर ग्राउंड पर जाते थे तो उनका बहुत सारा बयान जो है मुझे याद है, उनमें से एक दो बयानों का जिक्र मैं करना चाहूँगी। आप कहते थे कि भाई ब्रिटिश काल में बने हुए पुल बड़े मजबूत हैं जो आज भी टिके हुए हैं, लेकिन अभी के पुल पुलियों का पता नहीं कि आज है तो कल है। होगा या नहीं होगा। मैंने ये बोला है, उद्घाटन से पहले भी गिर सकता है, बहुत सारा पुल गिर गया, ये बात सत्य है। तो उसी को हम लोग सुधार करवाने का, अब तो बिहार के ठेकेदार ऐसे भी डर गए होंगे मनीषवा पावर में आ गया है। अच्छा, ये इस पावर की जरूरत थी। हाँ, पॉजिटिव पावर की, निगेटिव पावर की नहीं, पॉजिटिव पावर की। जैसे राम के पास पॉजिटिव पावर था और रावण के पास निगेटिव पावर था, ठीक है, पावर दोनों के पास था, लेकिन एक निगेटिव था तो वो खत्म हो गया, एक पॉजिटिव था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। कंस के पास पावर था, श्री कृष्ण के पास पावर था, कंस के पास निगेटिव पावर था, श्री कृष्ण के पास पॉजिटिव पावर था, तो निगेटिव का खत्म होना एकदम 100% है। तेजस्वी जी के पास भी पावर था, मेरे पास पावर नहीं था तो अब पावर आ गया। तेजस्वी जी ने निगेटिव पावर का इस्तेमाल किया, मेरे ऊपर NSA लगवाया, मुझे जेल में डलवाया, तो आज देखिए उनकी सरकार गिर गई। तो कहीं भी पावर का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से कीजिए, नकारात्मक रूप से नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे भी बिहार के कुछ ठेकेदार अब कुछ तो खौफ में होंगे, और कुछ इंजीनियर भी कि हाँ अब जो गलतियां हमने किया अब जो है हमें वो गलतियां नहीं करना है। क्या है? अब बताइए, 5 रोड मैप बताइए अब क्या। देखिए, बाढ़ पे तो मुझे काम करना है, और जो ग्राउंड लेवल की आपने बात किया, ठीक है, वहाँ पे अच्छे ढंग से प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है, तो इसलिए सरकारी दफ्तरों में थोड़ा सा करप्शन बढ़ा है, ये बात सत्य है। उसके वजह से जो है बिहार में गरीब परेशान होते हैं, तो वो करप्शन को दूर करना है, उसको जो है सामने लेके आना है, उसको किसी भी हाल में दूर करना है। जैसे शौचालय वौचालय जो नरेंद्र मोदी जी 12,000 रुपया यहाँ से देते हैं, वहाँ पर जो है कुछ अधिकारी, कुछ ग्रामीण लेवल के जो नेता हैं कुछ, वो तो थोड़ा सा करप्शन हो जाता है तो दिक्कत होता है, ये बात सत्य है। ऑन कैमरा पहला दिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो हम लोगों से जितना होगा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास तो किसी ना किसी को करना होगा ना, शुरुआत तो किसी ना किसी को करना होगा ना। हमें मौका, आपको क्या लगता है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, और उसकी खामी कहीं कमी नजर आती है? देखिए, पहले तो विपक्ष का मजबूत होना एकदम सही है, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहे तब तो अब विपक्ष को मौका मिलता है, लोग मौका देते हैं, और अरविंद केजरीवाल सारा घोटाला कर लेते हैं, एक पे एक फ्री देना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फंसते हैं तो अपने 2 साथियों का नाम भी रख देते हैं कि ये दोनों मुख्यमंत्री ना बने, अमर मेहरारू का रास्ता क्लियर रहे, ये चीज है। तो वैसे विपक्ष तो मजबूत नहीं होगा। राहुल गांधी का स्थिति देखिए, अभी रॉबर्ट वाड्रा जो है पूरा यूपी में जो है अनेकों जगहों पर लगा दिए हैं कि अब रॉबर्ट वाड्रा चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी सोच नहीं पाते हैं, सोचते हैं अंग्रेजी में, बोलते हैं हिंदी में, टंग स्लिप हो जाता है। आप देखिए तो कहाँ से मजबूत होंगे। आप देखिए तेजस्वी यादव जी, 9वां क्लास से ज़्यादा तेज लड़का अगर उनके टीम में कोई जुड़ जाता है तो वो जोड़ना नहीं चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जी देखिए, बाला साहब ठाकरे जी के बेटा, उनको होना इसलिए तो नहीं भेज दिया गया दिल्ली, उनको होना चाहिए था। तेजस्वी यादव तो मैंने तो भाई 3 महीना पहले इंटरव्यू में कहा था तेजस्वी यादव जी कन्हैया कुमार का बिहार में एंट्री नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और संदीप दीक्षित जो है दिल्ली में एंट्री नहीं होने देना चाह रहे हैं, कन्हैया कुमार करे तो करे क्या। तो विपक्ष इस तरीके से तो विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता है, और कभी भी नहीं मजबूत हो सकता। विपक्ष उस समय मजबूत था जब अटल जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उस समय विपक्ष मजबूत था, और विपक्ष उस समय जो है सवाल जो विपक्ष का होना चाहिए था वो करता था। आज विपक्ष का जो सवाल होना चाहिए वो नहीं करता है। आज विपक्ष जो है पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाता है, चीन के समर्थन में खड़ा हो जाता है, चीन में जाकर मीटिंग होता है, कहता है कि आप लोग रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दों से भटक करके आप पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कौन हिंदू मुसलमान करता है आप बताइए, शुरू कौन करता है? हम राम मंदिर की बात करते हैं, हम राम मंदिर को विकास से जोड़ते हैं, 1 लाख करोड़ का एक दिन में जो है भारत में जो है धंधा हुआ, एक दिन में जो बजट बढ़ गया, भारत का शेयर मार्केट बढ़ गया राम मंदिर की वजह से, उस पर तो ये लोग चर्चा करेंगे नहीं।
हाँ कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा गया उसके समर्थन में रोना शुरू कर देंगे, कहीं कोई देश विरोधी ताकत जो है उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है 12 बजे खुलवा देंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है वैसा विपक्ष भारत में अब मजबूत नहीं होगा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आपको खींच के फिर वहीं लाते हैं। आपने एक चीज बोला बदलाव, 5-5 मुझे 10 बिंदु चाहिए। बिल्कुल पब्लिक फोरम में है ये सारी चीजें, लोग देख रहे हैं। 5 चीजें जो कि बिहार में अभी तुरंत बदलने की जरूरत है, ठीक है, और आप अपनी प्लानिंग भी उसके साथ जोड़ लीजिए और अपनी प्लानिंग भी बताइएगा विधानसभा चुनाव को लेकर कि आपकी प्लानिंग क्या हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं ये अब इससे कह के बच नहीं सकते कि नहीं आज पहला दिन है और हम छोड़ देंगे, आज तुमको ABCD पढ़ाई है, नहीं अब एप्पल पूछेंगे। अब जरा हमें बताइए 5 बिंदु वो बताइए कि एकदम निहायती भी जरूरत है कि अभी बिहार में इन चीजों को चेंज करना है, इनको बदलना है। देखिए बाढ़ पे काम करने की जरूरत है, ठीक है, सख्त जरूरत है, पहला सख्त जरूरत है, और बिहार में जो शहर है उन शहरों को रिंग रोड की जरूरत है, कम से कम बिहार के 50 शहरों को रिंग रोड की जरूरत है, ठीक है, कम से कम 50 शहरों को। रिंग मतलब क्या होता है, गोला, और शहर को चारों तरफ से घेर दिया जाएगा तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा। इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो मजदूर बाहर जा रहे हैं, देखिए मैं रिंग रोड का रिंग रोड अगर बनेगा ना तो हर एक शहर जो है ना 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार देगा, रोजगार देगा। तो जो पलायन हो रहा है, जो पलायन हो रहा है वो पलायन को रोकने की जरूरत है। और ये बात सत्य है कि बिहार से पलायन अप्रत्याशित रूप से हो रहा है, और 2.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, यानी हर 5.5 में से एक व्यक्ति पलायन करता है। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। चौथा क्या, ये 4 चीज, 3 देखिए, चौथा जैसे उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट बना, आपने देखा होगा भारत में, पूरे भारत में रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात पहले नंबर 1 पे था, फिर महाराष्ट्र था, तमिलनाडु था, उत्तर प्रदेश का कोई नंबर ही नहीं था, वो उत्तर प्रदेश आज 21 एयरपोर्ट के साथ देश में नंबर 1 हुआ। बिहार में कम से कम एट प्रेजेंट टाइम 13.80 करोड़ जनसंख्या है, 10 एयरपोर्ट की जरूरत है, 10 एयरपोर्ट की जरूरत है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट, नॉट मतलब कि विदाउट ऑपरेशनल नहीं, ऑपरेशनल एयरपोर्ट, जिसमें रक्सौल हो सकता है, उसके बाद से पूर्णिया हो सकता है, उसके बाद से बेगूसराय एयरपोर्ट हो सकता है, उसके बाद से मतलब कि और भी बहुत सारा एयरपोर्ट हो सकता है, 10-3 और ऑलरेडी चालू है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगा। 4 हो गया, 5वां, यूपी में इस देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बना, एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी फास्ट हो जाती है, किसी भी राज्य की कनेक्टिविटी फास्ट हो जाती है। तो एक्सप्रेसवे जो है बिहार को एक्सप्रेसवे की सख्त जरूरत है, और अगर बिहार में कुछ एक्सप्रेसवे बन जाए, मतलब कि 2-3 एक्सप्रेसवे बन जाए, तो बिहार की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये 5 हाँ, ये 5 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बेसिक पॉइंट है, और ये जब 5 काम होगा ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों जो है इसके इसको फुलफिल करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, तो कंपनियां आएगी, तो आसपास में सड़कें चौड़ी होगी, तो सड़कें चौड़ी होगी तो स्कूल खुलेगा, बहुत सारा स्कूल खुलेगा, एनजीओ वाला भी स्कूल खुलता है, जैसे कुछ फंड जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो फंड जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करती है, तो कुछ हॉस्पिटल भी खुलेगा। तो ये 5 चीजें, शराबबंदी, शराबबंदी, मैं तो मनीष मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, ये नोट करके रखिए, शराबबंदी पर आएंगे। इन 5 के अलावा नीतीश कुमार बराबर ये कहते हैं कि बिहार का जो मॉडल है, विकास का मॉडल है, दुनिया उसे कॉपी करती है, पूरा देश कॉपी करता है, हर राज्य कॉपी करना चाहता है। यहाँ पर आपकी जितनी बातें उत्तर प्रदेश से कॉपी करने की सीख दे रही हैं, ऐसा क्या दिक्कत है? योगी जी से सीखने की जरूरत है हमें, मोदी जी से सीखने की? हम तो गुजरात मॉडल भी कह रहे हैं ना हम तो गुजरात मॉडल भी कर रहे हैं। गुजरात में इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इतने सारे एयरपोर्ट, बिहार मॉडल, बिहार को उस स्तर पे पहुंचने में वक्त लगेगा। हाँ ये बात सत्य है, मैं अगर ऑन कैमरा पहले ही दिन झूठ बोलूं तो लोग बोलेगा मनीष जरूरत है, मतलब जरूरत है कुछ, पहले दिन सच, पहले नहीं, हमेशा सच बोलूंगा, आगे आगे धीरे धीरे जैसे परिपक्व हो जाए। नहीं, गीता मंगा लेंगे आपके लिए, गीता मंगा लेंगे, शपथ दिलवाएंगे, वो मेरे दिल पे हाथ रखवा के जो है वो बोल दीजिएगा। मैं मतलब डेवलपमेंट की जरूरत है, सख्त जरूरत है, और अभी बिहार को जो है ना, बिहार मॉडल से ज्यादा जो है
गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, ये सारा मॉडल अपनाने की जरूरत है, ये बात सत्य है और ये अटल सत्य है। चलिए, बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज जरूरत ही नहीं? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो अति उत्तम, मिलना चाहिए, हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे, एकदम बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन विशेष पैकेज की तो सख्त जरूरत है, वो तो सख्त जरूरत है, लेकिन विशेष राज और विशेष पैकेज से ज्यादा जरूरत है कि एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशन कंपनी जो है वो बिहार में आए और इन्वेस्टमेंट करे। और वो इन्वेस्टमेंट कब करेगा? जब हमारा एक्सप्रेसवे बनेगा, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी। जैसे एयरपोर्ट बनाना होगा तो कोई बड़ी कंपनी आएगी, अडानी इंफ्रा है या गेमन इंडिया है या टाटा है या L&T है, कोई बड़ी ही कंपनी आएगी। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को सख्त जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की, और जिस दिन बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 साल के अंदर अंदर यूपी और गुजरात के टक्कर। आज इनकी सारी बात माफ होगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जो चीजें बीजेपी के लीडर कहते हैं उनसे आप थोड़े यहाँ पर डिफर कर रहे हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो नीतीश कुमार चारों तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है, पुल पुलिया बन रहा है, ये बन रहा है, वो ठीक है, बीजेपी वाले भी सपोर्ट करते हैं। नीतीश जी अभी हाल में विजय सिन्हा ने कहा है नीतीश कुमार की बहुत तारीफ की, यहाँ पर मैंने भी तारीफ किया है, यहाँ पे थोड़ी सी लिबर्टी इन्हें मिलेगी, बिल्कुल ये थोड़ी लिबर्टी नहीं मिलेगी। आज मनीष कश्यप घबराइए मत, मिलेगी पूरी। हाँ, अभी आज पूरी तरह से नेता नहीं है आज, लेकिन ये लग गया आपके ऊपर स्टाम्प लग गया है कि आप बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी नेता। लेकिन मैं अपने दिल की बात कर, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आप जाने जाते हैं। ये दिल की बात मनीष कश्यप करते हैं, इसीलिए मनीष कश्यप के इतने लाखों फॉलोअर हैं। बिल्कुल, मनीष कश्यप के साथ वो जो जन नेता वाली बात, और ऐसे लीडर्स की जरूरत थी बीजेपी को, और बीजेपी ने हथिया लिया इनको, समय रहते ही कहा कि नहीं अब आइए, हो गया। मैं सही जगह पे चला गया। आप सही जगह? हाँ, मैं सही जगह। लेकिन आप उस सही जगह के लिए बीजेपी के आमंत्रण निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे कि भाई निमंत्रण मिली तब जाए? नहीं, वो तो मतलब कि जो भी होता है समय के साथ सब कुछ सही होता है। और अब माँ खुश है? माँ पिछले 2 साल से मुस्कुराई नहीं थी किसी भी वीडियो में, इंटरव्यू में आप लोगों ने नहीं देखा होगा। हर माँ चाहती है कि जैसे आपकी भी माँ, आपकी 2 माँ होगी, एक सासू माँ होगी और एक माँ, वो दोनों माँ चाहती होगी कि आप हमेशा सदा खुश रहें। आपकी भी 2 माँ होगी, दोनों माँ चाहती होगी कि आप सदा खुश रहें। मेरी एक ही माँ है। नहीं नहीं, आपका तो आज दिल जो है ना, आज किसी सवाल हम पूछने वाले थे, आपका जो आज दिल है ना, ऑफिशियली एक माँ है, ऑफिशियली तो लाखों करोड़ों माँ है, सभी की माँ हमारी माँ है भाई, भारत माता है। हाँ, और आज का आज आपका दिल देख के लग रहा है कि यार बिल्कुल लोटस लोटस आपका दिल है, और पूरा आप वही लग भी रहे हैं कि आप भगवान में एकदम रंगे। एक सवाल, मनीष कश्यप अब शादी करेंगे? अब मैं अगर इस पे बोल दूं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए, अब सुंदर लड़की मिल जाए, अगर आपके नजर में कोई हो तो आप बता दीजिएगा, मम्मी को बता दीजिएगा। ये क्यों पूरे बिहार को कह रहे हैं ढूंढने के लिए? ये मतलब एलिजिबल बैचलर हैं मनीष कश्यप? नहीं नहीं, कहां से एलिजिबल बैचलर, बाल पका हुआ है, कलर नहीं करता हूं, नहीं आजकल पैमाना बदल गया है, तो ये हो सकते हैं, बहुत हैंडसम है, हालांकि मैं इनको नहीं बोलूंगा नहीं तो विवाद बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, नहीं बात नहीं बढ़ेगा, घर पे विवाद बढ़ जाएगा, लेकिन ये हो सकते हैं, हैंडसम है, देखिए हाइट भी सही है, जिम उम भी जाते हैं और भी बहुत सारे इधर। नहीं नहीं, लेकिन मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप आपके लिए, माने आपके लिए जो राजनीति के लिए सोचा था वहां तक आप पहुंच गए, अब तो इसके आगे का रास्ता आपको खुद तय करना है, लेकिन अब इसके बाद माँ के लिए सहयोग करने के लिए कोई घर में मौजूद हो? मनीष कश्यप सोचेंगे? मेरे छोटे भाई का शादी हो गया है, और छोटे भाई की जो वाइफ है वो बहुत अच्छी है। बिहार में एक चीज कहते हैं इंटरव्यू में, जो कहते हैं ना खखोर लेना, आज मनीष कश्यप को खखोरने की कोशिश, लेकिन चलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आज पहला दिन था। मनीष कश्यप भी कई सवालों के जवाब देते देते आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कहा कंट्रोल, तो कंट्रोल करने की जब जरूरत है तो इनको थोड़ा वक्त देते हैं, नेता पूरी तरह से बनने देते हैं, और धारदार इंटरव्यू बराबर आते रहिएगा, ठीक है ना? एकदम बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बधाई भी आपको इस नई राजनीतिक पारी के लिए, बहुत 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 धन्यवाद, जय हिंद।